प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज भारत की संभावनाओं का, भारत के सामर्थ्य का प्रमाण हमारी सफलताएं दे रही है। आज आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है। आज हिंद महासागर में मुस्तैद एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मेक इन इंडिया के विस्तार का प्रमाण है। गुजरात के बड़ौदा में C295 की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो या तुमकुर में HAL के हेलीकॉप्टर यूनिट हो, ये आत्मनिर्भर भारत का वो बढ़ता सामर्थ्य है जिसने भारत के साथ साथ विश्व के लिए नए विकल्प और बेहतर अवसर जुड़े हैं। साथियों, 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं, हम रिफॉर्म्स का रास्ते पर हर सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। बीते 5 वर्षों में देश का निर्यात 6 गुना बढ़ा है। 2021-22 में हमने अब तक के रिकॉर्ड 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एक्सपोर्ट को, उस आंकड़े को हमने पार कर लिया है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी टेक्नोलॉजी को, जिसकी मार्केट को और जिसके बिजनेस को सबसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। इसके बावजूद भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर भीतर अपने यहां डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर 5 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। इस दौरान किए गए प्रयास भारत के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करेंगे। अब यहां से भारत दुनिया के सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा।